मैं कि एक ब्रॉडर रेंज में है जिसके अंदर अपसाइड में 18,300 से 18,600 का उसका एक रेजिस्टेंस जोन है। एंड अगर हम एक ब्रॉडर आप वीकली पैटर्न भी देखोगे तो एक ब्रॉडर रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है जिसमें साइड आता है एंड कहीं हमको एक थकावट दिखती है 18,300 18,600 के रेंज पे एंड देन वहां से निफ्टी फिर ड्रिफ्ट करती है एंड रिसेंट ट्रेंड है उसमें निफ्टी वहां पे एक स्टक हो गई है। लाइक 100 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा देन इट विल कम डाउन, 100 200 पॉइंट डाउन खुलेगा देन इट विल कम अप। सो एक ब्रॉडर रेंज में वो एक स्टिक हो गई है। सो ये करंट हायर लेवल्स पे थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा बट ज्यादातर मैं स्टॉक स्पेसिफिक देखूंगा रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक। सो आई थिंक निफ्टी अभी के लिए एक ब्रॉडर रेंज में चलती रहेगी एंड हम इमीडिएटली ना तो एक बहुत बड़ा देख। सो दिस विल बी द पैटर्न दिनों के लिए या कहें तो एक महीने के लिए पैटर्न यही रहे। अपसाइड ज्यादा नहीं दिखेंगे और डाउनसाइड भी ज्यादा नहीं होगी बट स्पेसिफिक काफी चीजें चलेंगी। जी,